तो जी नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही खूबसूरत से ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा बैडमिंटन खेलने के लिए नेट बना हुआ है। इसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा टाइम लगा के इसे बनाया था, लेकिन किसी को भी इस चीज़ की कदर नहीं है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा ग्राउंड वीरान पड़ा हुआ है, कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा। सब लोग बच्चे अपने अपने घरों में मोबाइलों पर लगे हुए हैं और ग्राउंड में कोई नहीं आता। ग्राउंड बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोगों ने ये बैडमिंटन खेलने के लिए इतनी मेहनत से नेट बनाया ताकि सब लोग एक दफ़ा फिर से इकट्ठे हो सकें और कुछ देर मोबाइलों से जान छूटे और एक अच्छा वक्त गुजर सके। और अभी ये क्यों इस तरह ग्राउंड की हालत है ये भी मैं आपको एंड पर बताता हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका मेकिंग प्रोसेस। तो कॉलोनी के सब लड़कों ने डिसाइड किया कि क्यों ना ग्राउंड में कुछ खेलने के लिए बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी वक्त से ग्राउंड की हालत ख़राब होने की वजह से कोई भी कुछ नहीं खेल रहा था। कभी बारिश की वजह से, तो कभी बारिश के बाद घास के बढ़ जाने की वजह से ग्राउंड खेलने लायक ही नहीं था। खैर, कुछ दिन बाद जब ग्राउंड में पानी खुश्क हुआ तो ट्रैक्टर की मदद से ग्राउंड को ठीक करवाया गया। लेकिन इसलिए नहीं कि इसको खेलने लायक बनाया जा सके, बल्कि इसलिए कि इस बार यहाँ पर सब्ज़ियाँ लगाई जानी थी। खैर, हम इतनी लिमिट सी जगह पे खुद को एडजस्ट करके खेल ही रहे थे कि कुछ ही दिन बाद ग्राउंड में एक नए खंभे के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, जिसकी वजह से ग्राउंड में खेलना बिल्कुल ही बंद हो चुका था। खैर, जब कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हुआ तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम खेलने के लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो जिसके लिए हम लोगों ने दोबारा से ट्रैक्टर को मंगवाया ताकि ग्राउंड को प्लेन किया जा सके और इसको खेलने लायक बनाया जा सके। लेकिन इतनी लिमिट सी जगह की वजह से हम लोग यहाँ पर क्रिकेट तो नहीं खेल सकते थे, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट बनाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। अदन साहब, क्या ख्याल है आपके, किस बार इसके बाद हम खेलना भी करेंगे कि बस ऐसे मेहनत हो रही है ये? यार कोई पता नहीं, क्योंकि सब्जियां जो है ना हल्की हल्की बढ़ रही हैं, शायद उनका कोई मुझे लग रहा है शक है कि इस तरफ भी आ जाए।
छाती से यार कोई कैसा बंदा है तुम मरे तेरे यार का तो सोना मैं एक एक पकड़ लो एक एक पकड़ लो नजर ना लाए मैं जो कहना चाह रहा वो कह उधर रख दे उधर ही रख दे मैं सोना The next day. आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सब तो ठीक है पर आगे क्या। तो यार हम लोगों ने एक दो दिन ही खेला था कि दोबारा से बारिशें स्टार्ट हो गई, तो जिसकी वजह से ग्राउंड में दोबारा से खेला नहीं जा रहा था क्योंकि ग्राउंड में पानी भर चुका था, तो इसी वजह से हम लोग नहीं खेल रहे थे। अभी ये सब तो ठीक है, लेकिन अब ये तो बता कि अब ग्राउंड की हालत ऐसी क्यों है। यार ग्राउंड की हालत इस वजह से ऐसी है क्योंकि काफ़ी वक्त से कोई भी ग्राउंड में नहीं खेल रहा। उसकी मेजर वजह यह है कि कॉलोनी के आधे से ज़्यादा लड़के यहाँ से जा चुके हैं, वो एक अलग स्टोरी है, मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।